वेलकम स्टूडेंट्स, 10+2 क्लास द मैथमेटिक्स द चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आप कर रहे हैं। आज जो टॉपिक होएगा अपना वो सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव होएगा। हूँ तक आप जिन्हें भी क्वेश्चन किए फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव दे किए हैं, आइए सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव की होंगे वो बारे डिस्कस करिए। सपोज करो अपने को फंक्शन है वाई वेरीएबल एक्स विच, आप करते इन डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स करते हैं, तो ये वाई का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। जिहड़ा आ डी वाई बाई डी एक्स है वाई का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स, ये फस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पैक्ट टू एक्स होंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स फस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पैक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स आप लिखते हैं एफ डैश एक्स। सो फस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स ना रिप्रजेंट किया, जो फंक्शन एफ एक्स है तो फस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव एफ डैश एक्स, जे फंक्शन वाई है तो फस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। इन आप दोबारा डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स अगेन ऑन बोथ साइड्स, तो वट वी गैट डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एफ डैश एक्स। तो जो आप इनू डिफरेंशिएट करांगे इधर आ जाएगा डेरीवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, वो आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो एफ डैश एक्स का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स एफ डबल डैश एक्स। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव। सो दिस इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकेंड ऑर्डर इज डिनोटेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर एंड फंक्शन एफ एक्स का डेरीवेटिव सेकेंड ऑर्डर एफ डबल डैश एक्स न रिप्रजेंट किया जाता है। सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव जरा वाई दू आप इस सिंबल भी रिप्रजेंट करते हैं, सिंबल कि है वाई डबल डैश सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव ऑफ दिस वाई डबल डैश या वाई पैर के टू लिख लो या डी डी मतलब डेरीवेटिव डी स्क्वेयर वाई डी डेरीवेटिव ऑफ वाई उत्ते डी दे टू लिखे इट मीन सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पैक्ट टू एक्स इफ वाई इज इन वेरीएबल एक्स। तो आप सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव कर लिता। अगर आप सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर नू फरदर विद रिस्पैक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिए तो अपने को आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, दिस इज द थर्ड डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पैक्ट टू एक्स एंड थर्ड डेरीवेटिव इज डिनोटेड बाय डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो थर्ड डेरीवेटिव। तो एफ डबल डैश एक्स का डेरीवेटिव दोबारा करिए तो वो एफ ट्रिपल डैश एक्स आ जाएगा। अगर यदा एंथ डेरीवेटिव आप वाई का रिप्रजेंट करना है तो वह रिप्रजेंट होएगा डी द पावर एन वाई नीचे डी एक्स द पावर एन, तो दिस इज द एंथ ऑर्डर डेरीवेटिव।
अपन इस सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव दे विच अपने कोल सिर्फ फर्स्ट डेरीवेटिव तो बाद अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स तो सैकेंड डेरीवेटिव तक ही सीमित रहांगे। हुण अपन एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी बुक दे 38th एग्जाम्पल लैने तो स्टेटमेंट इस तरह है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर फाइंड आउट करनी है एंड इट इज़ गिवन दैट वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स। तो वाई की वैल्यू दिती हुई है सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव आप फाइंड आउट करिए तो डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स। डेरीवेटिव ऑफ एक्स क्यूब हाउ मच थ्री एक्स स्क्र प्लस डेरीवेटिव ऑफ टेन एक्स हाउ मच सिकेंड स्क्र एक्स। इधर अपने को y का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स की आ गया डी वाई बाय डी एक्स क्योंकि आप सैकेंड डेरीवेटिव पता करना वाई का विद रिस्पैक्ट टू एक्स। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स सो डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अपने को दो फंक्शन ने डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरीवेटिव ऑफ सैकेंड। डेरीवेटिव ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर उन्होंने आप लिख सकते हैं प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो तीन कॉन्सटेंट है बार एक्स स्क्वेयर का डेरीवेटिव टू एक्स आंसर आ जाएगा सिक्स एक्स। ये जरा है डेरीवेटिव की था सेकेंड स्क्वेयर एक्स। सेकेंड स्क्वेयर एक्स नूं आपां सेकेंड एक्स का होल स्क्वेयर लिखांगे तो पावर रूल पावर पहला दो अगे सेकेंड एक्स ते नाल डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स तो चेन रूल लाना है तो सिक्स एक्स प्लस सेकेंड का डेरीवेटिव सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स तो टू सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स हुण इज इक्वल टू यह आ जाएगा सिक्स एक्स प्लस टू सेकेंड एक्स। इतने सेकेंड एक्स लगाना बच्चों तो सेकेंड एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स इतने भी सेकेंड एक्स इंटू सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स इस सीकेंट एक्स ना मल्टीप्लाई होके सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। सो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टेंजेंट एक्स है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपने को सिक्स एक्स प्लस टू सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स द सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया। नेक्स्ट बच्चे एग्जाम्पल है अपने को 39th तो 39th एग्जाम्पल दी स्टेटमेंट लिखते हैं y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x तो y इक्वल टू a इंटू साइन x प्लस b इंटू कॉस x and we have to prove that second order derivative of y with respect to x plus y is equal to 0 so d to y by dx square plus y equal to 0 a apan prove karna hai aaiye solution karde hain y apan ditta hoya a
साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो अपने को लेफ्ट साइड ते डी वाई बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स राइट साइड ते आ गया। आ ए कॉन्स्टेंट है बाहर, डेरिवेटिव ऑफ साइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट है बाहर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई हो गया बी नाल, इज इक्वल टू ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स। हाँ जी, इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स द डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा डेरीवेटिव दे नाल मल्टीप्लाई होएगा, डेरीवेटिव की दा कॉस एक्स दा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डेरीवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। सो ए कॉस एक्स का डेरीवेटिव किया गया ए इंटू माइनस साइन एक्स माइनस बी। डेरीवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हाउ मच कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, माइनस कॉमन कर लो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। जो क्वांटिटी ब्रैकेट दे विच है वो बड़े ध्यान नाल देखो किदे बराबर है वाई दे बराबर, तो माइनस वाई आ गया, देयरफोर वाई माइनस जड़ा है राइट साइड ते उन्हों लेफ्ट साइड ले आओ तो अपने कोल डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो आ देखो स्टूडेंट्स यही आप फाइंड आउट करना सीगा। नैक्सट एग्जाम्पल नंबर 40th उदेते आओ, तो 40th एग्जाम्पल है अपने को y दी वैल्यू दिती हुई है y इज इक्वल टू 3 इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर 3x एंड वी हैव टू प्रूव दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी देखो स्टूडेंट्स जो आप प्रूव करना है वाई का फस्ट डेरीवेटिव भी इनवॉल्व है तो वह सैकेंड डेरीवेटिव भी इनवॉल्व है। तो सब तो पहले आप फस्ट डेरीवेटिव कढ़ांगे फिर उन्होंने फिर डिफरेंशिएट करके सैकेंड डेरीवेटिव फाइंड आउट करांगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इंटू ई रेज टू 2x प्लस 2 इंटू ई रेज टू 3x इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है ई दी 2x का डेरीवेटिव ई दी 2x इंटू डेरीवेटिव ऑफ पावर किन्नी 2x अकॉर्डिंग टू चेन रूल प्लस 2 कॉन्स्टेंट इंटू डेरीवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ दिस डेरीवेटिव ऑफ ई रेज टू 3x ई रेज टू 3x इंटू डेरीवेटिव ऑफ
एस ई दी पावर किन्नी 3x उदा 3 ई दी 2x ते 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हाउ मच 2 प्लस 2 इनटू ई रेज टू 3x एंड डेरिवेटिव ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू एक्स हाउ मच 3 3 इनटू 2 6 ई रेज टू 2x प्लस 6 ई रेज टू 3x अगेन डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स द डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 6 ई रेज टू 2x प्लस 6 इंटू ई रेज टू 3x डी वाई बाय डी एक्स का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपने को कितना आ जाएगा आप अप्रूव करना है तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इधर 6 कॉन्सटेंट ई दी 2x का डेरीवेटिव ई दी 2x इंटू डेरीवेटिव ऑफ 2x प्लस 6 डेरीवेटिव ऑफ ई रेज टू 3x ओ ई रेज टू 3x इंटू डेरीवेटिव ऑफ पावर पावर कितनी है 3x इज इक्वल टू 6 ई रेज टू 2x मल्टीप्लाई 2x का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 प्लस 6 इंटू ई रेज टू 3x मल्टीप्लाई डेरीवेटिव 3x का कितना 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12 ई रेज टू 2x प्लस 18 ई रेज टू 3x तो अपना देखो सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर लिया फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो भी अपना निकाल लिया हूँ जो अपना प्रूव करना है उत्थे पहुंची अपन वाई की लोड भी है डी वाई बाय डी एक्स की भी लोड है सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव ऑफ वाई की भी लोड है नाओ डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल टू 0 तो आप आंसर लेके आना वो इक्वल टू 0 नहीं लिखना वो अपने आप ही आएगा आफ्टर कैलकुलेशन तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पुट करो 12 इंटू ई रेज टू 2x प्लस 18 इंटू ई रेज टू 3x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस 5 टाइम्स वट डी वाई बाई डी एक्स आ जरा है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है तो 5 टाइम्स किन्ना 6 इंटू ई रेज टू 2x प्लस 6 इंटू ई रेज टू 3x प्लस 6 टाइम्स वैल्यू ऑफ वाई एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 3 इंटू ई रेज टू 2x प्लस 2 इंटू ई रेज टू 3x ब्रैकेट खोलेंगे आप आंसर 12 ई रेज टू 2x प्लस 18 ई रेज टू 3x माइनस 30 इंटू ई रेज टू 2x माइनस 30 इंटू ई रेज टू 3x प्लस 18 इंटू ई रेज टू 2x प्लस 12 इंटू ई रेज टू 3x 12 ई रेज टू 2 एंड 18 टाइम ई रेज टू 2x ऐड करके 30 इंटू ई रेज टू 2x हो गया आ नेगेटिव है ये दोनों पॉजिटिव कैंसल हो गए 12 एंड 18 ऐड करके 30 इंटू ई रेज टू 3x आ 30 इंटू ई रेज टू 3x नेगेटिव है ये भी कैंसल हो गए आंसर कितना आ गया अपने को 0 सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस 5 टाइम डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 टाइम्स वाई इक्वल टू 0 ये आप प्रूव करना सी एग्जाम्पल नंबर 40th
स्टूडेंट्स नाउ मूव टू एग्जांपल नंबर 41। फोर्टी फर्स्ट एग्जांपल इन्ना तो थोड़ी डिफरेंट होएगी, कुछ स्टेप थोड़ी डिफरेंट है। तो स्टेटमेंट इस तरह है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, एंड वी हैव टू शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये अपना बच्चों प्रूव करना है। तो अपन गिवन की है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनवॉल्व है, तो साइन इनवर्स x का डेरीवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होंगे। इट मीन इनू इदा ही डिफरेंशिएट करना है जिदा फंक्शन देता है, साइन इनवर्स नू एस वाई वाले साइड से शिफ्ट नहीं करना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंप्लाइज डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स द डेरीवेटिव माइनस वन प्लस वन अपॉन नीचे स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर होंगे। हम आ जो 1 माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट है वह इधर डी वाई बाई डी एक्स वाली साइड आके मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 1। बड़े ध्यान नाल देखो बच्चे अपन आंसर के स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर का नहीं चाहिए, तो 1 माइनस एक्स स्केयर चाहिए, इस करके दोनों पासे स्केयर कर लो, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू डी वाई बाय डी एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू 1 स्केयर इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीन 1। डिफरेंशिएट करो हुण विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन ए ले लो और सैकेंड ले लो, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस, तो पावर रूल दो अगे एक पावर डी वाई बाय डी एक्स की लैस होगी इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स प्लस सैकेंड फंक्शन डी वाई बाय डी एक्स का होल स्केयर इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस, तो 1 का डेरीवेटिव 0 तो माइनस एक्स स्केयर का माइनस 2x, तो उधर एक का जो आप डिफरेंशियल करांगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कि आ जाएगा 0। हुण बड़े ध्यान नाल देखो अपने कोल दो टर्म ने, एक टर्म आ उपर पिया है एक आ नीचे, पहला ये कैलकुलेशन कर दें फिर देखांगे कैंसल की करना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू डी वाई बाय डी एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हाउ मच डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स बड़े ध्यान नाल देखो ये अपने कोल 2 डी वाई बाय डी एक्स फस्ट टर्म च भी हैगा, तो डी वाई बाय डी एक्स तो नाल आ 2 सैकेंड टर्म च भी हैगा, तो आप दोनों साइड पर 2 टाइम्स डी वाई बाय डी एक्स नाल डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग बाय 2 डी वाई बाय डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो अपने को आंसर की आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ 2 भी डी वाई बाय डी एक्स भी कटता, तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर
इतने टू भी कैंसल कर दो, एक डी वाई बाई डी एक्स भी कैंसल कर दो, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये चीज आप प्रूव करनी सी। हाँ जी अगे चलते हैं बच्चे। एक्सरसाइज 5.7 इहदा क्वेश्चन 17 कर दें। स्टेटमेंट है वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का होल स्केयर, शो करना है एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर इंटू वाई टू प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्केयर प्लस वन इंटू वाई वन इज इक्वल टू टू। ये चीज आप प्रूव करांगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, उधर दूसरी साइड डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स होल स्केयर। पावर रूल लाओ, दो अगे आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ जी की पावर है, तो पावर की दी है टेन इनवर्स एक्स की, तो डेरीवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरीवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्केयर। ये जरा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्केयर है, जरा वन प्लस एक्स स्केयर है, इधर आगे की हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड से अपने को वन प्लस एक्स स्केयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स टेन इनवर्स एक्स। हुण स्टूडेंट्स ध्यान नाल देखो, अपन जो आंसर चाहिए कोई टेन इनवर्स एक्स नहीं है, तो टेन इनवर्स एक्स न खत्म किदा करांगे, स्केयर बोथ साइड। तो जो आप स्केयर करांगे तो वन प्लस एक्स स्केयर इंटू डी वाई बाय डी एक्स का होल स्केयर, उधर फोर टेन इनवर्स एक्स स्केयर इज इक्वल टू फोर, टेन इनवर्स एक्स स्केयर कितना वाई। तो हुण आपां इहनू सोल्व करना है, तो आइए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन ऑन बोथ साइड्स। तो देखो आ जिहड़ा है अपने कोल सारा, ये सारे की है पावर है, तो जो आप डिफरेंशिएट करांगे तो पावर दो अगे आ जाएगी, वन प्लस एक्स स्केयर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस, तो डेरीवेटिव ऑफ दिस मीन वन प्लस एक्स स्केयर इंटू डी वाई बाय डी एक्स, उधर डेरीवेटिव फोर डी वाई बाय डी एक्स इंप्लाइज टू टाइम वन प्लस एक्स स्केयर डी वाई बाय डी एक्स ऑफ एदा डेरीवेटिव, तो डेरीवेटिव ऑफ दिस वन प्लस एक्स स्केयर दिस इंटू डेरीवेटिव दिस दिस इंटू डेरीवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी एक्स किन्ना डी टू वाई बाय डी एक्स स्केयर प्लस ए वाला फंक्शन डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस, तो यह डेरीवेटिव कि एक का जीरो टू एक्स स्केयर का टू एक्स इक्वल टू फोर डी वाई बाय डी एक्स। तो हुण बड़े ध्यान नाल देखो, अपां दोनों साइड ते टू डी वाई बाय डी एक्स नाल डिवाइड कर दिए, तो वन प्लस एक्स स्केयर और टू डी वाई बाय डी एक्स कट गए, वन प्लस एक्स स्केयर डी टू वाई बाय डी एक्स स्केयर टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स टू टाइम, तो वन प्लस एक्स स्केयर इंटू दिस डी टू वाई बाय डी एक्स स्केयर
प्लस टू एक्स, नाल ए वाला मल्टीप्लाई करो, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू टू। लास्ट स्टेप है वन प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, इनू आपां वाई टू लिख लें, प्लस टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपने कोल वाई वन इज इक्वल टू टू। तो ये आपां प्रूव करना सी, वो अपना आंसर आ गया। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।